राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो अक्षय तृतीया से रिलेटेड वीडियो है। अक्षय तृतीया की पूजा के लिए मैंने तैयारियां एक दो दिन पहले से शुरू कर दी थी। मुझे थोड़ा बहुत कुछ पूजा का सामान लेना था, तो मैं शॉप पर गई थी। और इस दिन कान्हा जी को पायल ज़रूर से पहनाते हैं, तो अभी मैं कान्हा जी की पायल ही ले रही हूँ। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। ऐसा मानते हैं कि अगर इस दिन से कोई कार्य की शुरुआत की जाए तो इस दिन सफलता ज़रूर से मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन कान्हा जी को चंदन का लेप लगाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, तो कई बर्तनों की ज़रूरत होती है, तो मैंने उसे निकाल के क्लीन करके रख लिया था। इसके साथ ही आज के दिन चंदन के लड्डू अर्पित किए जाते हैं कान्हा जी को, और मैं बस चंदन के लड्डू ही बना रही हूँ। चंदन के लड्डू को बनाने के लिए हमारे घर में जो भी चंदन अवेलेबल है हम उसे ले लेंगे। उसमें थोड़ा सा कपूर डाल देंगे, इत्र डाल देंगे और ब्रजरज डालते हैं। ब्रजरज मेरे पास नहीं था, तो मैंने तुलसी के पॉट में से एक चुटकी मिट्टी ले ली और मैंने उसे ही डाल दिया। और डाल देंगे हम गुलाब जल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका बनाएंगे हम लड्डू। लड्डू बनाते समय हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। कपूर थोड़ा देर से गलता है, तो हम इसको कुछ देर रख के फिर करेंगे तो कपूर अच्छे से गल जाएगा। इसके बाद इत्र को मैंने अपने हाथ पे लगा लिया है और मैंने लड्डू बना लिया। आज के दिन कान्हा जी को ठंडी चीज़ों का भोग लगता है, तो मैंने कान्हा जी को जो भोग लगाया उसमें था काजू कतली, खीरा, खरबूज, आम और लस्सी। मैंने इन चीज़ों का भोग लगाया है। इसके बाद मैंने तैयार किया कान्हा जी का लेप चंदन का, जो कि मुझे उन्हें लगाना था। इसके लिए मैंने चंदन का, इत्र का, रोज वाटर का और कपूर का यूज़ किया। इसके बाद मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की। मेरे पास कान्हा जी के लिए फूल बंगला है, तो मैंने फूलों से थोड़ा सा उसे और सजा दिया है। यहाँ पर हमारी चौकी एकदम रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम कान्हा जी का अभिषेक करेंगे। मैंने कच्चे दूध का, दही का, घी का, गंगा जल का और सादे पानी का यूज़ किया है अभिषेक के लिए। और अब इसके बाद हम कान्हा जी को चंदन का लेप लगाएंगे। चंदन का लेप लगाने के लिए मैं यहाँ ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो हाथों का भी यूज़ कर सकते हो, ब्रश से अच्छे से लग जाता है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारे दोनों लाला को चंदन का लेप लग चुका है। इसके बाद मैं चंदन के लड्डू अर्पित करूँगी और जो कुछ भी भोग प्रसाद था मैं वो कान्हा जी को भोग लगाऊँगी। यहाँ पर चंदन का लेप कान्हा जी को लगा है, भोग प्रसाद भी लग चुका है। और इसके बाद चंदन का लेप मैं करीब 2-3 घंटे ऐसे ही लगा रहने दूंगी। 2-3 घंटे के बाद मैंने कान्हा जी को फिर से स्नान कराया।
स्नान कराने के बाद मैंने कान्हा जी का श्रृंगार किया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए और विश्वास मानिए मेरे दोनों लाला इतने सुंदर लग रहे थे, मुझे लग रहा था कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए इन दोनों को, तो मैंने कान्हा जी की नज़र उतारी। कुछ इस तरीके से मेरा दिन पूरा अक्षय तृतीया का बीता, बहुत ही सुकून भरा और आनंदमय दिन था। आशा करती हूँ आपका दिन भी बहुत ही अच्छा गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।